चक्रधरपुर के मंडल के आईई कॉलोनी में करीब 2 करोड़ की लागत से बने पार्क की बदहाली पैसों के सदुपयोग पर सवाल खड़े कर रही है। खरसावां विधायक ने डीआरएम से मामले की शिकायत की बात कही है। देखिए 2 करोड़ की लागत से बने पार्क की बदहाली। चक्रधरपुर रेल मंडल के रेलवे क्षेत्र आईई कॉलोनी में 2 करोड़ की लागत से बना महात्मा गांधी उद्यान 2 महीने में ही उजाड़ नजर आने लगा है। वॉकवे टूटने लगा है, कई हिस्सों में झाड़ियां उग आई है और जल जमाव पार्क में पैबंद सा दिखने लगा है। पार्क की बदहाली पर खरसावां विधायक दशरथ गागराई ने पार्क निर्माण में खर्च हुई राशि के सदुपयोग पर सवाल खड़ा किया है। मान के 2 महीना बाद ही अगर इस पार्क को देखा जाए तो बिल्कुल खंडहर होने की स्थिति में ये दिख रही है, क्योंकि यहाँ चक्रधरपुर एक डिवीजन भी पड़ता है और चक्रधरपुर डिवीजन राजस्व भी भारतीय रेल को काफ़ी देती है, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पैसे की जो बंदरबांट हुई है निश्चित रूप से ये जांच का विषय बनती है। विधायक ने पैसों के बंदरबांट की शिकायत डीआरएम से करने की बात कही। देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। वैसे जब 2 करोड़ रुपए पार्क पर खर्च किया गया तो ड्रेनेज के बारे में भी सोचा जाना चाहिए था, साथ ही कुछ और खर्च कर पार्क में माली और सुरक्षा कर्मी की तैनाती हो जाती तो उजाड़ होने के बजाय पार्क लोगों के काम आता। न्यूज़ 11 भारत के लिए चक्रधरपुर से रुपेश की रिपोर्ट।